बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी का नाम उन सितारों में काफी शुमार किया जाता है जो अपने आप को प्रत्येक भूमिका में अंदर फिट कर लेते हैं। इस तरह हिंदी फिल्मों में शबाना ने अपने कई बेहतरीन भूमिकाओं का निर्वाह बिल्कुल सदे हुए अंदाज में किया। आइए शबाना आजमी के जन्मदिन पर देखते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ जाने अनजाने पहलू। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा सैयदा शबाना आजमी का आज जन्मदिन है। 18 सितंबर 1950 को शबाना का जन्म हुआ था। मशहूर शायर कैफी आजमी और थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी के घर जन्मी शबाना को अभिनय और कला का शौक विरासत में ही मिला। मुस्लिम बैकग्राउंड से होने के बावजूद कम्युनिस्ट विचारों की समर्थक शबाना ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज से पूरी करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रवेश ले लिया। बेकरार है ऐसे नहीं दबा दबा ससरी दिल में प्यार है ऐसे नहीं झुके झुके सी नजर। शबाना आजमी ने श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। फिल्म में उनके अभिनय को कला समीक्षकों द्वारा सराहा गया। फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद शबाना फिल्मों की चहेती अभिनेत्री बन गई। शबाना को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो एक रिकॉर्ड है। पहली बार 1975 में फिल्म अंकुर, फिर 1943 में अर्थ, 1984 में खंडहर, 1985 में पार और 1999 में फिल्म गॉड मदर के लिए भी सम्मानित किया गया है। शबाना को 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है। 1978 में फिल्म स्वामी, 1943 में अर्थ, 1985 में भावना और 1999 में फिल्म गॉड मदर के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 1988 में शबाना को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। शबाना ने मशहूर लेखक जावेद अख्तर से शादी की है। अभिनेत्री होने के अलावा शबाना एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने मुंबई दंगों के खिलाफ और एड्स की रोकथाम के लिए भी काम किया है। वो राज्यसभा की सांसद के रूप में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।